मनुष्य तब तक शक्तिशाली है जब तक वह किसी सशक्त योजना का प्रतिनिधित्व करता है, और जब वह इसका विरोध करता है तो निर्बल हो जाता है। नहीं, हमारा विज्ञान कोई भ्रम नहीं है, लेकिन एक भ्रम यह मान लेना होगा कि विज्ञान हमें जो नहीं दे सकता वह हमें कहीं और मिल सकता है। कभी कभी सिगार बस एक सिगार होता है। आपकी कमजोरियों में से ही आपकी ताकत आएगी। एक दिन पीछे मुड़कर देखें तो संघर्ष के वर्ष आपको सबसे सुंदर दिनों के रूप में प्रभावित करेंगे। हर जीवन का लक्ष्य मृत्यु है। मन एक हिमखंड की तरह है, यह पानी के ऊपर अपने एक सातवें हिस्से के साथ तैरता है। इस धारणा से बचना असंभव है कि लोग आमतौर पर माप के झूठे मानकों का उपयोग करते हैं कि वे अपने लिए शक्ति, सफलता और धन की तलाश करते हैं और दूसरों में उनकी प्रशंसा करते हैं, और यह कि वे जीवन में वास्तविक मूल्य को कम आंकते हैं। एक धर्म, भले ही वह खुद को प्रेम का धर्म कहता हो, उसे उन लोगों के लिए कठोर और प्रेमहीन होना चाहिए जो इससे संबंधित नहीं है। स्वप्न बाह्य प्रकृति के दबाव से आत्मा की मुक्ति है। मैं केवल एक बात निश्चित रूप से जानता हूं, और वह यह है कि मनुष्य के मूल्य के निर्णय सीधे उसकी खुशी की इच्छाओं का पालन करते हैं। तदनुसार वे तर्कों के साथ अपने भ्रम का समर्थन करने का प्रयास है। अगर तुम नहीं कर सकते वो तो छोड़ दो। शब्द और जादू शुरुआत में एक ही चीज थे, और आज भी शब्द अपनी अधिकांश जादुई शक्तियों को बरकरार रखते हैं। स्वप्न बाहरी प्रकृति के दबाव से आत्मा की मुक्ति है। आत्मा को पदार्थ की बेड़ियों से अलग करना। जब हम प्यार करते हैं तो हम कभी भी दुख के खिलाफ इतने रक्षाहीन नहीं होते। यदि संभोग के दौरान स्त्री की योनि से आवाज आती है तो समझो कि उसे ज्यादा मजा आ रहा है। स्वयं के प्रति पूरी तरह ईमानदार होना एक अच्छा व्यायाम है। मनुष्य मजाकिया हैं, वे उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जिससे वे प्यार करते हैं, लेकिन खुले तौर पर स्वीकार करने से इनकार करते हैं। कुछ तो डर के मारे स्नेह की जरा सी भी निशानी दिखाने से डरते हैं। डर है कि उनकी भावनाओं को पहचाना नहीं जा सकता है। लेकिन इंसानों के बारे में एक बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वह है अपने स्नेह की वस्तु से जुड़ने का उनका सचेत प्रयास, भले ही वह उन्हें धीरे धीरे भीतर ही क्यों न मार दे।